कैसे यूज करना है वो डिटेल में बताएंगे। और ये इसकी जो मोबाइल ऐप है वो है ICSEE। तो ये PTZ कैमरा जो है वो ICSEE पर कैसे सेटअप करना है, लैन पर कैसे चलेगा और वैन पर कैसे चलेगा वो हम लोग इसमें आपको डिटेल में बताएंगे। मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग कैसे करेगा, क्या क्या फीचर है वो सब डिटेल में बताएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने हमसे प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। तो इसमें आपको ये इसका मैनुअल है, तो मैनुअल में भी पूरी डिटेल में बताया गया कैसे इसको यूज करना, स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर है। ये इसकी ऐप का नाम है ICSEE, ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मिल जाएगा। तो ये हमने इसको पावर अडॉप्टर से प्लग कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे ये इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन कलर का इंडिकेशन आ रहा है। तो पावर तो सबसे पहला सबसे पहला जो वॉइस प्रॉम्प्ट है इसमें जो मैसेज आया, तो सिस्टम स्टार्टिंग आपका आया, तो अब ये रोटेट हो रहा है, तो अपने आप को इनिशियलाइज कर रहा है, ये डिवाइस सेटअप हो रहा है। हमने जो ऐप है यहाँ डाउनलोड की हुई है ICSEE जो ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी ऐप डाउनलोड की हुई है। ऐप को आपने ओपन करना है, अगर आप नई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आपने सब कुछ अलाउ कर देना है। ये आपका ऐप ओपन हो गया, ऐप से हमारा ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है, आपको एक यूजर ने पासवर्ड बनाकर ईमेल आईडी से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी, इसमें आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे आपसे पूछ रहा है आपको कैसे इसको ऐड करना है। तो ऐड वाईफाई कैमरा, जो भी आपके घर में वाईफाई लगा होगा ऑफिस में उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐड वाईफाई कैमरा पर आपने क्लिक करना है। तो आपसे ये पूछ रहा है 2.4 GHz पर चलता है, तो राउटर का सेटअप पूछ रहा है, राउटर आपका लगा हुआ है तो ये स्पेसिफिकेशन है, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जो आपके घर में या ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ उसका नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में ये है, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद ये जो पासवर्ड हमने इसमें डालना है, जो आपका पासवर्ड होगा वाईफाई का वो डालना है। डालने के बाद आपको कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने के बाद ये 3 से 4 सेकेंड आपके लेगा, यूटिलाइज करने के राउटर से ये कनेक्ट कर देगा आपके कैमरा से। कन्फर्म किया तो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सिक्योरिटी देने के लिए इसका एक पासवर्ड आप सेट करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, पर पासवर्ड आप वो डालिए जो आपको इजीली याद रहे। तो ये न्यू पासवर्ड हमने डाला और उसको फिर हमने कंफर्म भी कर देना है। ये पासवर्ड आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे, दोनों पासवर्ड सेम मैच करेंगे, जो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे जो आपको इजीली याद रहे, आसानी से याद रहे, वही पासवर्ड आप यहाँ से डालिए। पासवर्ड का जो लेंथ है वो आपने ध्यान रखना है,
ऊपर नीचे ये मैच करने चाहिए। तो पासवर्ड मैच होने के बाद ये आपसे पूछे आपको इसका डिवाइस का नाम क्या देना है, चाहे तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो डिवाइस की जगह या फिर सेलेक्ट कर सकते हो जो नाम दिया है। तो हमने जो नाम सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आ गया, आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अभी इसमें जो डिवाइस है इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ है, तो ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग करेगा। तो आपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग पर सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट स्टेप कर देना, कंफर्म कर देना। यहाँ पर पूछ रहे हैं अलार्म पुश नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, ये होता है मैसेज के लिए। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आए तो कोई मैसेज आए या नहीं आए, सेटिंग है अगर आपने ऑफ कर लें तो ऑफ कर वाई फाई ऑन है तो आपने ऑन ही रखा। यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई तो यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है। यहाँ पर आप इस पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे या प्ले के साइन पर, यहाँ पर स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है, प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कैमरा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो सेटिंग है ये ऑडियो की सेटिंग है, अगर कैमरा में जो वॉइस है आपको वो सुननी है अपने फोन पर तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन कर देगा। यहाँ पर इसकी फुल HD और HD की सेटिंग दी हुई है, आपको रेजोल्यूशन कैसे रखनी है। और यहाँ पर इसको ऑटो ट्रैक का ऑप्शन दिया हुआ है, मोशन डिटेक्ट होगा तो ऑटो ट्रैकिंग करता है। ये सेटिंग्स आप डिटेल में मैनुअल में रीड कर सकते हैं, ये सेटिंग का प्रॉपर पर्पज़ क्या है। और यहाँ पर ये टू वे ऑडियो के लिए अगर इसको होल्ड करके रखेंगे, अलाउ के मांगेगा तो अलाउ कर देना, अब होल्ड करेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो कैमरा में भी जाएगी। तो इस तरीके से यूज हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्नैपशॉट क्लिक करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए और ये प्लेबैक के लिए, अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला होगा तो प्लेबैक में जाएंगे आप, तो वो आप मेमोरी कार्ड में जो रिकॉर्डिंग स्टोर होती है वो प्लेबैक में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लाइटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लाइट्स कैसे रखनी है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे रखनी है और उसको उसकी जो लाइट की पावर है वो कितनी रखनी है, वो आप लाइट की सेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। और ये PTZ की सेटिंग है, अगर आपने रोटेट करना है PTZ को तो आप PTZ के अंदर रोटेट होगा। ऑटो ट्रैक का मैंने आपको बताया, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग करके ऑटो ट्रैक करता है डिवाइस को। और उसके अलावा बाकी सेटिंग जो है यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिया हुआ है, अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो ये सेटिंग यहाँ से भी ओपन हो जाती है लाइट। अब जो डिवाइस की सेटिंग है SD कार्ड की सेटिंग है वो आप बैक आएंगे तो यहाँ पर सेटिंग का जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक सेटिंग है, पासवर्ड की सेटिंग है, स्मार्ट अलार्म है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, जो SD कार्ड की सेटिंग है मेमोरी कार्ड की वो स्टोरेज में आएगी आप। रिकॉर्ड सेटिंग है, रिकॉर्ड सेटिंग में आपको ये बताएगा आपको मोशन डिटेक्शन चाहिए, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, नॉर्मल रिकॉर्डिंग चाहिए, क्वालिटी का चाहिए, वो सारी इसके अंदर सेटिंग में आएगी। और जो SD कार्ड की सेटिंग है मेमोरी कार्ड की स्टोरेज में आएगी, यहाँ पर मेमोरी कार्ड अभी डला नहीं हुआ, अगर मेमोरी कार्ड डल जाएगा तो यहाँ पर आपको उसकी कैपेसिटी वगैरह फिल करेगा, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग है, अगर आपको अपना नेटवर्क चेंज करना है एक वाइफ से दूसरी